आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या ऑनलाइन रिचार्ज या बिल का पेमेंट करते हैं, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक सुपर एप्लीकेशन जिसका नाम है मैक्स पे एप्लीकेशन, रिचार्ज कैशबैक बिल पेमेंट एप्लीकेशन। इसमें अच्छा खासा आपको कमीशन देखने को मिलेगा। मैक्स पे एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, बहुत ही अच्छी खासी एप्लीकेशन है। मैक्स पे आप देख सकते हैं, मैक्स पे का लोगो इस तरीके से रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कमीशन चार्ट देखने को मिलेगा, जो भी आपकी कमीशन चार्ट रहेगी वो आप देख सकते हैं। टोटली इसमें आपको देखने को मिलेगा जो कि आप देख सकते हैं, रिचार्ज भी आप किस तरीके से प्लान, कौन सा प्लान लेना चाहते हैं उस हिसाब से। ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है मैक्स पे। यहाँ पर आप सर्च करेंगे मैक्स पे, यहाँ पे जैसे ही सर्च करेंगे आप देख सकते हैं रिचार्ज कैशबैक बिल पेमेंट्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हो और भी आप इसकी जानकारियाँ जो कि आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन मैंने जो कि आपको बताई है। यदि आप एक फ़ोन पर गूगल पे यूज़ करते हैं उससे अच्छी एप्लीकेशन रहेगी, क्योंकि इसमें आपको कैशबैक देखने को मिलता है रिचार्ज पे, जो कि आप कर सकते हैं सिंपली। अगर आप फ़ोन पे से रिचार्ज करते हैं तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे या GST आपको पेमेंट करना पड़ता है, जिससे कि आपकी बचत नहीं हो पाती है डायरेक्टली। यहाँ आपको फ़ोनपे में चार्जेस लगते हैं। इसके लिए हम आज इस एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि बेस्ट एप्लीकेशन रहेगी 2023 के लिए, रिचार्ज कैशबैक बिल पेमेंट एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करते हैं। मैंने इंस्टॉल कर ली है, जो कि आप देख सकते हैं सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है। इसको मैं डायरेक्टली ओपन कर सकता हूँ, यहाँ से डायरेक्टली मैंने ओपन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट बनाना रहेगा। अकाउंट बनाने की आपको प्रोसेस बता देता हूँ। मैक्स पे लोगो इस तरीके से रहेगा। उसके बाद यहाँ साइन अप आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और रेफरल आईडी बनाना है। सिंपल यहाँ पे हमको फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड बना लेने हैं। रेफरल आईडी यदि हो तो ठीक है, यदि नहीं हो तो रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। सिंपली ये चीज़ें आपको भरना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे फिलअप करता हूँ। यहाँ पे मैंने सब चीज़ें फिलअप कर दी, उसके बाद सिंपली रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर पे OTP आएगी, जो कि आपको फिलअप करना है। जैसे ही आप OTP फिल करोगे, OTP वेरीफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही वेरीफाई OTP पे क्लिक करोगे आपके सामने एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं सेट MPIN फॉर ट्रांजेक्शन, तो आपको MPIN सेट करना रहेंगे 4 डिजिट के, जो कि आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सिंपली आपको सबसे पहले चूज करना है, उसके बाद आपको कन्फर्म करना है। यहाँ पर मैं कन्फर्म कर देता हूँ। कन्फर्म करने के बाद आपके सामने वैलिड आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कौन कौन सी सुविधा मिलेगी ये जानकारी देता हूँ। यहाँ पे एड बैलेंस की सुविधा मिलेगी, जिस तरीके से आप यहाँ पे अपना पेमेंट जमा करना चाहते हैं सिंपली कर सकते हैं। ऑनलाइन डिपॉजिट करना चाहते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। मैनुअल रिक्वेस्ट भी यहाँ से कर सकते हैं, जो कि आप यदि ऑनलाइन डिपॉजिट करना चाहते हैं तो UPI के थ्रू डायरेक्टली कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे वैलिड हिस्ट्री, जो भी आपकी वैलिड हिस्ट्री रहेगी वो देख सकते हैं। रिचार्ज हिस्ट्री, जो भी आपकी रिचार्ज हिस्ट्री रहेगी वो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं प्रीपेड। प्रीपेड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना रहेगा। यहाँ पे अपना ऑपरेटर जो भी है सिंपल यहाँ पे चूज़ करना है। उसके बाद आपको सर्कल चूज़ करना है। व्यू प्लान पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके प्लान्स आ जाएंगे, इनका आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसका रिचार्ज कर सकते हैं। उसके बाद पोस्टपेड की सुविधा इसमें दी हुई है। उसके बाद आप देख सकते हैं DTH की सुविधा दी हुई है, लैंडलाइन की सुविधा दी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप कर सकते हैं यहाँ से पेमेंट। यदि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना चाहते हैं सिंपल इस एप्लीकेशन मदद से कर सकते हैं। गैस का पेमेंट करना चाहते हैं, वाटर का। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल पे का भी आप कर सकते हैं। आपको बता देता हूँ अभी कौन कौन से ऑफर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। एयरटेल में आपको 2.10 कमीशन देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2.10% मतलब यहाँ पे आपको कमीशन देखने को मिलता है। BSNL में 5% कमीशन देखने को मिलता है। BSNL स्पेशल में भी 5% कमीशन है। वोडाफोन VI, जो कि आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे मिलता है 3.40%, मतलब आप देख सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। जियो में यहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे कम आपको देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं। DISH TV, उसके बाद आप देख सकते हैं टाटा स्काई DTH वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पोस्टपेड और पाइप गैस पे भी अच्छा खासा पेमेंट देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे भी आपको पेमेंट देखने को मिलेगा, यदि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं तो। यहाँ पे गूगल कार्ड्स पे आपको परसेंट मिलेगा देखने को मिलेगा। लैंडलाइन, जो कि आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में 1 रुपये आपको पर बिल के हिसाब से मिलेगा, लैंडलाइन में 1 रुपये, जो कि आप देख सकते हैं। कमीशन रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, कमीशन रिपोर्ट पर क्लिक करके जो भी आपकी कमीशन रहेगी रिपोर्ट्स टोटली आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रोफाइल पर आपकी प्रोफाइल देख सकते हैं। रेफर एंड अर्न का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। यदि आप किसी को रेफ़र करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना
जैसे कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। सपोर्ट 24/7 यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा जो कि आप देख सकते हैं। सिंपल यहाँ पे कॉल एस और व्हाट्सएप एस का ऑप्शन दिया हुआ है। मंडे टू सैटरडे 10 to 7 PM जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको एड्रेस भी दिया हुआ है, शॉप नंबर जो कि टोटली देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस दिया हुआ है। डीटीएच टोल फ्री नंबर भी दिए हुए हैं, डीटीएच और प्रीपेड टोल फ्री नंबर भी दिए हुए हैं। सब ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन तो रहेगी। ऑल सर्विस यहाँ पे टोटली सर्विस फाइनेंस की जो कि आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैक्सपे एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करते हैं जो कि आपको मैंने बताया। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट करके बताएं, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक ले जय श्री।